नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। RBI ने सहायक के पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है, आज मैं उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इसके लिए आवेदन की आखिरी तारीख 8 मार्च 2022 है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं एरिया वाइज कितने पद रिक्त हैं। अहमदाबाद 35, बेंगलुरु 74, भोपाल 31, भुवनेश्वर 31, चंडीगढ़ 78, चेन्नई 66, गुवाहाटी 32, हैदराबाद 40, जयपुर 48, जम्मू 12, कानपुर एंड लखनऊ 131, कोलकाता 26, मुंबई 128, नागपुर 56, न्यू दिल्ली 75, पटना 33, तिरुवनंतपुरम एंड कोची 54। सहायक के कुल 950 पद रिक्त हैं दोस्तों। आइए अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। दोस्तों, इसके लिए आवेदन 17 फरवरी 2022 से शुरू हो चुकी है, जो कि 8 मार्च 2022 तक चलेगी। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की भी आखिरी तारीख 8 मार्च 2022 ही है। ऑनलाइन प्रारंभिक टेस्ट की संभावित तिथि 26 और 27 मार्च 2022 है। वहीं ऑनलाइन मुख्य परीक्षा मई 2022 में होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, आप देखते हैं इसके लिए उम्र कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, आवेदन करने के लिए आवेदक की उम्र 20 से 28 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आयु की गणना 1 फरवरी 2022 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट भी है। दोस्तों, आप देखते हैं आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। आवेदक के पास कम से कम 50% अंक के साथ किसी भी विषय में बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही कंप्यूटर पर वर्ड प्रोसेसिंग का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके अलावा दोस्तों, जिस राज्य के लिए नियुक्ति की जाएगी उस राज्य की लोकल भाषा का भी ज्ञान होना आवश्यक है। अब बात करते हैं दोस्तों, आवेदन करने के लिए शुल्क कितना पे करना होगा। दोस्तों, SC ST उम्मीदवारों को केवल इंटीमेशन चार्जेस 50 रुपये देना होगा। वहीं सामान्य EWS और OBC उम्मीदवारों को 450 रुपये पे करना होगा। अब देखते हैं दोस्तों, चयन किस प्रकार से होने वाला है। चयन के लिए दोस्तों, सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी, फिर मुख्य परीक्षा होगी, इसके बाद अंतिम में भाषा प्रवीणता टेस्ट ली जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कुल 100 अंक के 100 प्रश्न होंगे। इसके लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे। प्रारंभिक परीक्षा में अंग्रेजी विषय से 30 प्रश्न, संख्यात्मक क्षमता से 35 प्रश्न और तार्किक क्षमता से 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी के लिए आपको 20-20 मिनट का समय मिलेगा। इसमें शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों को ही मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलेगी। मुख्य परीक्षा भी वस्तुनिष्ठ प्रकार के ही होंगे, इसमें कुल 200 अंक के 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए उम्मीदवारों को 135 मिनट मिलेगा। मुख्य परीक्षा में 5 विषय होंगे, रीजनिंग टेस्ट, अंग्रेजी विषय, संख्यात्मक क्षमता, सामान्य जानकारी टेस्ट, कंप्यूटर ज्ञान टेस्ट। इन सबसे 40-40 प्रश्न पूछे जाएंगे, 40-40 अंक के। इसमें पास होने वाले उम्मीदवारों को भाषा प्रवीणता टेस्ट से गुजरना होगा, इसके बाद ही नियुक्ति होगी। दोस्तों, अब मैं बताने जा रहा हूँ कि इस पद के लिए आप आवेदन कैसे करेंगे। तो दोस्तों, आवेदन करने के लिए आपको RBI द्वारा जारी नोटिफिकेशन में दिए लिंक रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट को क्लिक करना होगा। क्लिक करने पर आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, जिसमें दिए लिंक क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, इसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, आखिर में मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा कि आवेदन करने से पहले RBI द्वारा जारी नोटिफिकेशन में दिए दिशा निर्देश को ठीक से पढ़ तथा समझ लें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक्स, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैंने अपने ब्लॉग में भी इस वैकेंसी के बारे में लिखा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा।